गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोच की राम राम खटखड़ टोल प्लाजा पर मौजूद थे। आज युवा किसान दिवस है और युवाओं ने आज अपने खून से प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, तो डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ पूछेंगे कि क्या कुछ संदेश जाएगा इसे। ये पहले जेजेपी में भी पार्टी में रह चुकी लेकिन अब अपना पद त्याग चुकी है, तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी, आपने जो आज खून से लेटर लिखा है ये किसके नाम है ये बताओ? ये प्रधानमंत्री के नाम है जी। इससे क्या संदेश जाएगा? इससे ये संदेश जाएगा भाई, हम करो और मरो की स्थिति में है। यदि सरकार ये चाहती है नहीं, हम मतलब पीछे नहीं हटेंगे, तो अब किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। और हर रोज हम महात्मा गांधी की विचारधारा पे विश्वास नहीं करते। आज नौजवानों के लिए युवा दिवस मनाया गया है और यदि युवा सामने आ गया तो फिर भगत सिंह की आजादी की लड़ाई होगी। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि आप वक्त रहते इस देश को गृह युद्ध की तरफ मत डालिए और आप इन कानूनों को वापिस लीजिए और MSP का कानून बनाइए। युवा किसानों ने ये लेटर लिखा है जी जी। तो और किस किस ने ये लेटर लिखना चाहिए? नहीं, लेटर तो सभी ने लिखा है। जब आम जनता बुजुर्ग से लेके बच्चे से लेके बड़े तक सभी आंदोलन में हैं, तो इसका मतलब सभी ने लिखा है। चलो युवाओं की तरफ से संदेश है भाई, हम करो और मरो की स्थिति में। जैसे मैम मैंने भी एक लेटर लिखा है कि जिस समय मोदी जी सरकार में आए थे उस समय पता नहीं क्या क्या घोषणा करी थी, तो उस घोषणा पर खरे नहीं उतरे। मीडिया भी पूरा बड़ा चटा कर कह रही थी। अब मीडिया क्यों नहीं सवाल पूछ रही है कि जो आपने 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, अभी बंगाल में 75 लाख नौकरियां देंगे, उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लेती, क्यों नहीं है उसके? नहीं, मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है। मीडिया के सिर पे बंदूक है और पहली बार है जो कलम है मीडिया पे बंदूक के नीचे है। हमारे देश में सब कुछ है ना, सब कुछ बेच लिया इसने, सब कुछ कर दिया इसने, कोई ऐसा पत्रकार नहीं छोड़ा जिसकी इसने कीमत नहीं लगाई, क्योंकि इसने खरीदने की आदत है। पहली बार एक किसान ही है जो खरीदा नहीं जा रहा, बाकी तो MLA MP कोई गोदी मीडिया मोदी मीडिया कुछ नहीं छोड़ा इसने। ये तो आप लोगों का धन्यवाद हो जो सोशल मीडिया है या आप लोग जैसे मतलब लोकल पत्रकार है वो हमारे ऊपर कुछ दिखा रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं। एक बड़ा बयान आया है जो पूर्व शिक्षा मंत्री हरियाणा के, उन्होंने कहा कि होली भाग से पहले ही किसान भाग जाएंगे, एक भी दिखाई देगा बॉर्डर पर। नहीं, उनके दिमाग में पता क्या है, उनके दिमाग में ये भी ये लामणी करेंगे, गेहूं आ जाएगी और ये बंगाल इलेक्शन हो जाएगा, पर ये भूल रहे हैं हम पूरी ताकत के साथ शक्ति के साथ राजनीति को रणनीति से हराएंगे। अब की बार हमें नहीं कमजोर समझने की कोशिश ना करें सरकार। कुछ गर्मियों का नहीं सोच रहे, गर्मी भाग जाएंगे? नहीं, एक बात बताओ, गर्मी जब सर्दी जब हम सर्दी में रह सका तो हम गर्मी में भी रह सका। जो आदमी किसान है उसे गर्मी सर्दी का कोई एहसास को नहीं, हम AC में बैठे नहीं बंदे को, नहीं हम किसान हैं। लेकिन जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनके पास तो नोटिस भेजना शुरू कर दिया कि रोड खाली करो, स्थानीय लोग तंग हो रहे हैं। नहीं, नो तो नोटिस ही रोज भेजा है, नोटिस तो इमाम ने भी भेजे है, इसके नोटिस ने थापा कौन है, बनाया हमने है गए, हमने बनाया है कानून हमारा भी लागू करे। आपने दुष्यंत चौटाला जी? नहीं, दुष्यंत बनाया था तो हमने इस्तीफा दे दिया, और आखिरी बार का बनाया ना बोर्ड का बनंदा आगा होगा जब वोट मांगने आगा होगा तो चप्पल लागेंगी, सीधी सी बात है, कौन देगा? गामा में पिटेगा, बोर्ड लहर के अंदर बढ़ना मना है। अरे हमारे तो काम में बढ़ा नहीं गा, बाकी चाहिए सारा काम में बढ़ जी। कुछ फायदा लगे आपने बनाने का जो कुछ है कि आंदोलन से पहले कुछ फायदा हो? नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं सरकार का, कदे कोई फायदा नहीं। या तो सरकार यह है मतलब जो कहेगी नहीं उसका विपरीत करेगी, जेनू कहेगी 15 लाख देवांगे तो 0 भी नहीं है, जे उन्हू कहेगा 400 का सिलेंडर तो 800 का पाओगा, जे तेल नु कहेंगे 20 का है तो तेल 100 का पाओगा, इनका तो मतलब जो कहेंगे नुकसान है, उल्टे चल रहा है। 400 कहेंगे 800 होंगे, हां अगर 15 लाख आओगे तो कुछ कट भी जाएंगे, कट के जाओगे कुछ मिलता है को नहीं, सिर्फ नहीं पकान का मतलब है इनकी, तो माइनस में जरे खाते कुछ नहीं, माइनस में तो जावेंगे खान ने नहीं नाड़ छोटे तो कोनी की मैं ऊपर दा ही कोरोना ला दिया सारा देश भीतर बैठ रखे इनकी। जैसे फसल आ गई है, फसल का कैसे क्या? नहीं, फसल रात ने काट लेंगे, दिन में धरना भरवांगे और धरना पूरे दिन में रात ने फसल काटोगे? रात ने फसल काटांगे सारी रात ना होवेगी, धरना नुए चलागा, पूरी प्लानिंग तैयार होगी, पूरी प्लानिंग राजनीति को रणनीति से मारेंगे। अच्छा, और आगे जैसे राजनीति में कोई किसान का पुत्र आएगा? सही बात है जी, जो फिलहाल चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, चाहे MLA है चाहे MP है, जो फिलहाल सरकार में है हम उनको वोट नहीं करेंगे। जो किसान है, किसान किसी भी कौम के हैं, और जो मजदूर हैं, कोई भी किसान का मजदूर का बेटा ही बेटी होगी, हम तो जे एक मतलब आज का टीम मेंबर भी बनाना है नहीं, 10 बार सोच कर बनावा। जैसे किसान आंदोलन है इसमें कुछ एक विशेष जाति का नाम लिया जाए? कुछ नहीं, ये तो मतलब नहीं, पीछे जाट आंदोलन बदनाम कर रहा था, नुए जाट जाट ले रहे हैं, किसान तो हर जाति में है, जाट वाला तो इसमें कोई चक्कर है को नहीं।
ये जातिवाचक शब्द मैंने चियाना ऑफिस में सुना था, सुनील चौटाला जी का है। जी जी जी, ये बोल रहे थे कि आप जाट ही रह गए क्या आंदोलन करने के लिए? नहीं, जाट तो है नहीं, आप एक बात बताओ। चलो वो तो जाट कम है, आप तो मीडिया हो। अगला दिन मैंने एक वीडियो यहाँ से डाली थी, लेकिन कई जाति के मिले नहीं। मेरी बात सुनो, आप यहाँ आते हो, आपको ये पता है भाई सारे धर्म के लोग हैं, सारे जातियों के लोग हैं, उनके कहने से क्या है? वो तो मतलब बात ये की बात है, उनके दिमाग में भी इस आंदोलन को तोड़ा कैसे जाए, ये सोच रहे हैं भाई और कास्ट है जो वो इससे अलग हो जाए और इनको जाट जाट कह के इनको अलग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, बाकी हमें आंदोलन को टूटने नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी मेहनत करनी पड़े। जो महापंचायत कर रहे हैं चढ़ूनी जी भी, राकेश टिकैत जी, क्या कुछ फर्क होने वाला है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है? नहीं, बदलाव तो ये होने वाला है, हम और जोर शोर से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जो सरकार ये चाह रही है अगर भाई इन मिलावड़ी फाग पहले उठ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने देना, क्योंकि जो वो सोच रहे हैं ना, जो वो सोच रहे हैं, हम उससे 10 कदम आगे सोच रहे हैं। 2024 तक बैठ गए हम, बैठ गए जी, मामला पलट के उठोगे, सरकार पलट के उठाएंगे, चाहे पलट जो तड़कर जाए वो पलट जो 2024 में, जो कर ये करो और मरो की स्थिति में नहीं, मारे लिए भी ये करो मरो की स्थिति है। हमारी तो नस्ल फसल की लड़ाई इनका आगे बिगड़ा है, ये तो ऐसी में बैठ के नर कानून बना दे हैं, इनकी क्या पता दरअसल उस कानून का क्या रिजल्ट निकलेगा। चारों गुजराती है, गुजराती पटे दो मारे दो, हम दो हमारे दो, दे तो था यू कांग्रेस ने, अरे इस पे मतलब जो काम हो रहा है वो बीजेपी पे, अरे वो पहलड़ा तो रिमोट गेला चल रहा करता, यू वाई फाई गेला चल रहा है, तकनीकी का जमाना है, 5G का जमाना है। चलो जी, धन्यवाद। धन्यवाद। देखो भाई, डॉक्टर सिक्किम जी धरना पे मौजूद थे और बात करी अपन, जो कुछ आज पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री जी के नाम, तो खून से लिखा गया है, वो भेजा है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।